नमस्कार बच्चों, आज हमारी कक्षा एमए फाइनल ईयर, मैं एकता देवी, सहायक आचार्य हिंदी साहित्य। इससे पहले जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने एमए फाइनल ईयर के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा की, पाठ्यक्रम के बारे में जाना। आज की हमारी इस वीडियो में हमारा जो सातवां प्रश्न पत्र है भाषा विज्ञान, उसकी पहली इकाई में भाषा और भाषा की परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे, क्योंकि किसी भी विषय के अंदर उसकी आरंभिक जानकारी हमें होना अत्यंत आवश्यक होता है। इसलिए हम भाषा क्या होती है और विभिन्न विद्वानों ने भाषा की क्या क्या परिभाषा दी है वो हम अच्छे से जान लेते हैं, उसके बाद हम इसके आगे की प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर भाषा एवं भाषा की परिभाषा, ये तो आप सब जानते ही हो। मानव जीवन के विकास में सबसे अधिक योगदान भाषा का ही रहता है। इसका कारण यह है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज में रहकर ही अपने कार्य पूरे करने पड़ते हैं। इसीलिए उसे अपने भावों, विचारों, अनुभवों आदि को दूसरों तक पहुंचाने के लिए और दूसरों के विचार आदि ग्रहण करने के लिए भाषा को ही माध्यम बनाना पड़ता है। प्रकृति ने मनुष्य को वाणी देकर ही उसे शेष सभी प्राणियों से श्रेष्ठ बना दिया है। अर्थात अगर इस धरती पर सबसे श्रेष्ठ जीव मानव है तो इसका मुख्य कारण ये है कि उसके पास भाषा है। निसंदेह सभी पशु पक्षियों की भी अपनी भाषाएं होती है, परंतु भाषा विज्ञान में केवल मानव मुख से उच्चरित ध्वनि व्यवस्था को ही भाषा मानकर उसका अध्ययन किया जाता है। जो जो मनुष्य का समाज विकसित होकर दूर दूर तक फैलता गया, त्यों त्यों उसे भाषा की लिखित रूप की आवश्यकता अनुभव होती गई। इसलिए आज भाषा के ये दो रूप ही सर्वाधिक प्रचलित हैं। पहला रूप है मौखिक भाषा और दूसरा रूप है लिखित भाषा। यहाँ ध्यातव्य है कि मानव समाज में व्यक्ति भाषा के अतिरिक्त कुछ विशेष प्रकार के संकेतों का प्रयोग करके भी अपने भाव प्रकट करता है। अर्थात वह अपने मुँह से वाणी नहीं निकालता, लेकिन कुछ ऐसे संकेत करता है और उन संकेतों के द्वारा भी वह अपने भावों को व्यक्त करता है। जैसे कि किसी क्रिकेट स्टेडियम में जब खिलाड़ी दूर दूर होते हैं और स्टेडियम में भरी हुई भीड़ अत्यधिक उत्साहित होकर जोर जोर से चिल्लाती है, तो ऐसी दशा में टीम के खिलाड़ी केवल हाथों का संकेत करके एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं। इसी प्रकार ताली बजाना, सीटी बजाना इत्यादि भी मन की प्रसन्नता के भावों को प्रकट करने के संकेत हैं, परंतु इन्हें हम भाषा विज्ञान के अंतर्गत नहीं रखते हैं, क्योंकि इन संकेतों से समाज के समस्त कार्य निष्पादित नहीं किए जा सकते। क्या समझ में आया आपको? मनुष्य श्रेष्ठ किस लिए है? अपनी भाषा के कारण है। भाषा विज्ञान में जब हम भाषा का अध्ययन करते हैं तो उसके अंदर सिर्फ मानव के मुख से उच्चरित ध्वनि व्यवस्था होती है, उन्हीं का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा मानव अपने मन के भावों को व्यक्त करने के लिए कुछ संकेतों का प्रयोग करता है, ताली बजाना, सीटी बजाना या फिर हाथों से इशारे करके बातें करना, उनका हम भाषा विज्ञान में भाषा के अंतर्गत अध्ययन नहीं करते हैं। अब हम पढ़ते हैं भाषा शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, अर्थात भाषा किस धातु से बना है। भाषा संस्कृत का शब्द है, यानी यह भाषा जो है यह संस्कृत की शब्दावली से निकला हुआ है। इसकी व्युत्पत्ति अर्थात इसका निर्माण व्यक्त वाण्यर्थक भाष धातु से हुआ है। किससे हुआ है? भाष धातु से, यानी भाषा शब्द के मूल में जो धातु है वह भाष धातु है। इसका सामान्य अर्थ होता है बोलना, कहना या व्यक्त करना। जो भाष धातु है उसका क्या होता है सामान्य अर्थ? बोलना, कहना या फिर व्यक्त करना। परंतु यहाँ पर पशु पक्षियों के द्वारा उच्चरित ध्वनियों के लिए भाषा शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। सामान्यतः
समाज में विभिन्न स्तरों पर मनुष्य द्वारा उच्चरित बोलियों के लिए ही भाषा शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे अध्यापकों की भाषा, ड्राइवरों की भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, साहित्यिक भाषा, कबीरदास की भाषा, तुलसीदास की भाषा, सूरदास की भाषा इत्यादि। परंतु भाषा विज्ञान में भाषा से तात्पर्य मानव की व्यक्त वाणी से है। अंग्रेजी भाषा में इसके लिए लैंग्वेज शब्द, फ्रांसीसी अथवा फ्रेंच भाषा में लॉन्ग शब्द का प्रयोग होता है। ये शब्द मूलतः लेटिन भाषा के शब्द लिंगुआ से बने हैं। लिंगुआ का अर्थ होता है जिह्वा, जीभ, जिससे हम बोलते हैं। प्राय यह देखा जाता है कि किसी भी जटिल विषय अथवा वस्तु को शुद्ध और वैज्ञानिक ढंग से परिभाषित करना एक कठिन कार्य होता है। न्याय शास्त्रियों का मत है कि किसी भी विषय वस्तु आदि की परिभाषा में अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभवता के दोष नहीं होने चाहिए। इसीलिए हम देखते हैं कि प्राय सभी विद्वानों ने विषयों की अपने अपने ढंग से अलग अलग परिभाषाएं दी है, और यही स्थिति भाषा की परिभाषा पर भी लागू होती है। जिन प्रमुख एवं महत्वपूर्ण विद्वानों ने भाषा को परिभाषित किया है, उन्हें हम तीन वर्गों में बांट सकते हैं। और ये तीन वर्ग कौन कौन से हैं? पहला वर्ग है संस्कृत आचार्यों के द्वारा दी गई परिभाषाएँ, दूसरा है आधुनिक भारतीय व्याकरणों एवं भाषाविदों द्वारा दी गई परिभाषाएं। इसी के अंतर्गत जो तीसरा पक्ष या मत आता है वो है पाश्चात्य भाषाविदों द्वारा दी गई भाषा से संबंधित परिभाषाएं। यानी हमारा आज विषय क्या है? भाषा और भाषा की परिभाषाएं। तो भाषा की परिभाषाओं को कितने वर्गों में हम बांट सकते हैं? तीन वर्गों में। पहला, संस्कृत आचार्यों द्वारा दी गई परिभाषाएं, यानी भाषा के बारे में संस्कृत आचार्यों के क्या मत हैं। दूसरा, आधुनिक भारतीय व्याकरणों, यानी भारत के जो व्याकरण है और भाषाविद है, उन्होंने भाषा की जो परिभाषाएं दी है। और तीसरा वर्ग क्या है? पाश्चात्य भाषाविदों द्वारा दी गई परिभाषाएं, अर्थात विदेशी भाषाविदों द्वारा दी गई परिभाषाएं। इसमें सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं संस्कृत आचार्यों के द्वारा दी गई परिभाषाओं का। भारत में भाषा विषयक चिंतन वैदिक युग से ही आरंभ हो गया था। जिन संस्कृत आचार्यों ने भाषा को परिभाषित किया है, उनमें महर्षि पतंजलि, भर्तृहरि इत्यादि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। परंतु यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर देना उचित है कि महर्षि याश्क और अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि ने भाषा की स्वतंत्र रूप से कोई परिभाषा नहीं दी है। अर्थात जिसको पाणिनि है, संस्कृत महाव्याकरण हुए हैं पाणिनि ऋषि, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी को संस्कृत भाषा की व्याकरण के रूप में जाना जाता है। और महर्षि याश्क वो भी प्रसिद्ध व्याकरण हुए थे, लेकिन इन्होंने भाषा के बारे में हमें स्वतंत्र रूप से कोई परिभाषा दी ही नहीं है। इसलिए हम संस्कृत के दूसरे आचार्यों द्वारा दी गई भाषा को या भाषा की परिभाषा को अध्ययन के रूप में मुख्य रूप से रखते हैं। इसमें सबसे पहले नाम आता है महर्षि पतंजलि का। महर्षि पतंजलि ने अपने ग्रंथ महाभाष्य में भाषा को परिभाषित करते हुए लिखा है, व्यक्ता वाची वर्णा येषां त इमे व्यक्त वाच है। अर्थात जो वक्ता की वाणी में व्यक्त होती है उसे भाषा कहते हैं। ये इन्होंने, क्योंकि ये संस्कृत के व्याकरण थे, संस्कृत के भाषाविद थे, तो इन्होंने अपनी जो परिभाषा है वह संस्कृत भाषा में दी है, हमने इसका हिंदी में अनुवाद किया है। व्यक्तवाची वर्णा ये साम त इमे व्यक्तवाच्य का हिंदी में अर्थ होता है, जो वक्ता की वाणी में व्यक्त होती है उसे भाषा कहते हैं। अगर आप इनकी संस्कृत की डेफिनेशन, संस्कृत की परिभाषा याद नहीं कर सकते हैं, तो आपको हिंदी की परिभाषा याद करनी है कि जो वक्ता की वाणी में व्यक्त होती है उसे भाषा कहते हैं। इस परिभाषा के अनुसार
केवल व्यक्त वाणी को ही भाषा कहा जा सकता है। व्यक्ति अपने मन में जो कुछ सोचता या अनुभव करता है उसे भाषा नहीं कहा जा सकता, बल्कि मनुष्य द्वारा इस अनुभव अथवा विचार के व्यक्त रूप को ही भाषा कहा जा सकता है। ये किसके अनुसार है? महर्षि पतंजलि के अनुसार है। और महर्षि पतंजलि ने ये परिभाषा अपने किस ग्रंथ में दी है? महाभाष्य में दी है। दूसरी है भर्तृहरि। भर्तृहरि ने भाषा को शब्द उत्पत्ति व अर्थ ग्रहण के आधार पर परिभाषित किया है और परिभाषित करते हुए कहा है कि शब्द कारणमर्थस्य स ही तेनोपजायते, अर्थात जो भाषा है वह शब्द उत्पत्ति और अर्थ ग्रहण के आधार पर ही परिभाषित होती है। आपको इसकी संस्कृत की परिभाषा याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ इतना ही याद करना शब्द उत्पत्ति व अर्थ ग्रहण के आधार पर भाषा को परिभाषित किया है। किसने? भर्तृहरि ने। संस्कृत व्याकरणों में तीसरा महत्वपूर्ण नाम आता है अमरकोश का। अमरकोश एक संस्कृत भाषा का प्रमुख ग्रंथ है जिसको नाम लिंगानुशासन भी कहते हैं। उसमें भाषा को वाणी का पर्यायवाची माना गया है, अर्थात भाषा है वह वाणी का पर्यायवाची है। और इसके बारे में बताते हुए लिखा गया है ब्राह्मी त भारती भाषा गीर वाक वाणी सरस्वती, अर्थात जो वाणी मुख से निकलती है और अर्थ बताती है उसे गी अर्थात गीरा कहते हैं, और जिसका उच्चारण होता है उसे वाक या वाच कहते हैं। ये अमरकोश के अंदर बताया गया है। अमरकोश में भाषा को वाणी का पर्यायवाची बताया है और कहा है कि जो वाणी मुख से निकलती है और अर्थ बताती है उसे गीरा कहते हैं, और जिसका उच्चारण होता है उसे वाक या वाच कहते हैं। संस्कृत आचार्यों के बाद नाम आता है आधुनिक भारतीय व्याकरणों एवं भाषाविदों द्वारा दी गई परिभाषाएं, यानी हमारे आधुनिक भारत के। वो क्या थे? हमारे भारत के ही थे, लेकिन संस्कृत भाषा के प्राचीन काल के व्याकरण थे। लेकिन अब हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत के व्याकरणों एवं भाषाविदों द्वारा दी गई परिभाषाएं, जिन्होंने अपनी परिभाषाएं हिंदी भाषा में दी है। आधुनिक युग में अनेक भारतीय भाषाविदों भाषा वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग ढंग से भाषा को परिभाषित किया है। इनमें से कुछ विशिष्ट व प्रसिद्ध भाषाविदों के द्वारा दी गई परिभाषाओं पर ही हम यहाँ पर विचार करेंगे। हिंदी व्याकरण ग्रंथ की प्रस्तावना के पृष्ठ संख्या एक पर भाषा को परिभाषित करते हुए श्री कांता प्रसाद गुरु ने लिखा है। कांता प्रसाद गुरु हिंदी के प्रसिद्ध व्याकरण है और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है हिंदी व्याकरण। इसके अंदर इन्होंने भाषा के सबसे छोटी इकाई से लेकर भाषा के सबसे बड़ी इकाई तक अत्यंत गहराई और सूक्ष्मता पूर्वक सब कुछ भाषा और व्याकरण के बारे में बताया है। तो कांता प्रसाद गुरु ने अपनी पुस्तक हिंदी व्याकरण में उसकी प्रस्तावना के पृष्ठ संख्या एक पर भाषा को परिभाषित किया है और परिभाषित करते हुए कहा है भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भलीभांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्वयं स्पष्टतया समझ सकता है। कांता प्रसाद ने भी भाषा को विचारों आदि को व्यक्त करने का साधन माना है। उन्होंने इस परिभाषा में वाक पर स्पष्ट रूप से टिप्पणी नहीं की है। कामता प्रसाद गुरु के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण नाम आता है वो आता है श्री दुनीचंद। श्री दुनीचंद ने अपने ग्रंथ हिंदी व्याकरण के पृष्ठ एक पर भाषा की परिभाषा दी है और परिभाषा देते हुए लिखा है कि हम अपने मन के भाव प्रकट करने के लिए जिन सांकेतिक ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें भाषा कहते हैं, अर्थात अपने मन के जो भाव हैं उनको प्रकट करने के लिए हिंदी के अंदर या किसी भी भाषा के अंदर जो ध्वनि संकेत मान्य हैं
उन संकेतों का हम उच्चारण करते हैं अर्थात अपने मुख से उनको उच्चरित करते हैं, उन्हें भाषा कहते हैं। इस परिभाषा के अनुसार कहा जा सकता है कि भाषा में सांकेतिक ध्वनियों जैसे क, ख, ग आदि का विधान होता है और उनके परस्पर मेल से बने शब्दों, वाक्यों आदि के द्वारा विचारों, भावों आदि को अभिव्यक्त किया जाता है। श्री दुनीचंद के बाद हिंदी व्याकरणों में नाम आता है डॉक्टर श्याम सुंदर दास का। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने अपने ग्रंथ भाषा विज्ञान के दूसरे प्रकरण में भाषा की परिभाषा दी है और परिभाषा देते हुए कहा है, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे क्या कहते हैं? भाषा। यह परिभाषा दी है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने अपने ग्रंथ भाषा विज्ञान में। यहाँ पर यह स्वतः स्पष्ट होता है कि इस परिभाषा में भी सांकेतिक ध्वनियों और अभिव्यक्ति का भाषा में समावेश किया गया है। ये है आधुनिक भारतीय व्याकरण और भाषाविदों ने भाषा की बहुत सारी परिभाषाएं दी है, लेकिन हम यहाँ पर 3 परिभाषा याद कर लेंगे अपने पाठ्यक्रम के अनुसार, इतनी ही काफ़ी है। उसके बाद हम अध्ययन करते हैं पाश्चात्य भाषाविदों द्वारा दी गई परिभाषाओं का। पाश्चात्य भाषाविदों जिस तरीके से संस्कृत व्याकरणों ने, आधुनिक भारतीय व्याकरणों ने भाषा पर अपने विचार व्यक्त किए हैं, उसी प्रकार पाश्चात्य भाषाविदों चिंतकों ने भी भाषा की विविध ढंगों से व्याख्या की है और उसे परिभाषित किया है। तो यहाँ पर हम कुछ प्रसिद्ध भाषा शास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाओं का ही अध्ययन करेंगे। जर्मन विद्वान डॉक्टर मैक्स मूलर ने भाषा विज्ञान पर व्याख्यान देते समय भाषा की जो परिभाषा दी थी उसके अनुसार, भाषा और कुछ नहीं है, केवल मानव की चतुर बुद्धि द्वारा आविष्कृत एक ऐसा उपाय है जिसकी मदद से हम अपने विचार सरलता और तत्परता से दूसरों पर प्रकट कर सकते हैं और चाहते हैं कि इसकी व्याख्या प्रकृति की उपज के रूप में नहीं बल्कि मनुष्य कृत पदार्थ के रूप में करना उचित है। यानी उन्होंने भाषा विज्ञान पर व्याख्यान दिया था और व्याख्यान देते समय भाषा की परिभाषा दी थी। ये उन्होंने इंग्लिश में दी थी जिसका हिंदी में अनुवाद डॉक्टर हेमचंद जोशी ने किया है, जो मैंने आपको बताया है। ये जर्मन विद्वान है डॉक्टर मैक्स मूलर। भाषा के बारे में इनके विचार काफ़ी जाने जाते हैं, काफ़ी माने जाते हैं संपूर्ण विश्व में, तो इसीलिए हमने पाश्चात्य भाषाविदों में मैक्स मूलर की परिभाषा को सबसे पहले रखा है। उसके बाद इटली के प्रसिद्ध, ये इटली के हैं, प्रसिद्ध भाषाविद क्रोचे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी थ्योरी ऑफ एस्थेटिक। इस पुस्तक के अंदर क्रोचे ने भाषा की परिभाषा दी है और परिभाषा देते हुए लिखा है, लैंग्वेज इज आर्टिकुलेट लिमिटेड ऑर्गेनाइज्ड साउंड एम्प्लॉयड इन एक्सप्रेशन। अर्थात भाषा उस स्पष्ट सीमित और सुसंगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यक्ति के लिए नियुक्त की जाती है। ये परिभाषा किसने दी है? इटली के प्रसिद्ध भाषाविद क्रोचे ने। उनके ग्रंथ का नाम था थ्योरी ऑफ एस्थेटिक। उसके बाद तीसरी जो परिभाषा है वह है आउटलाइन ऑफ लिंग्विस्टिक एनालिसिस के लेखक ब्लॉक और ट्रेगर के अनुसार। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसके लेखक हैं ब्लॉक और ट्रेगर। उन्होंने आउटलाइन ऑफ लिंग्विस्टिक एनालिसिस नामक पुस्तक लिखी जिसमें भाषा संबंधी परिभाषा दी। उन्होंने कहा, ए लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स बाय मीन्स ऑफ विच ए सोशल ग्रुप कोऑपरेट्स। अर्थात इसका अर्थ है, भाषा मुख उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से एक समुदाय के सदस्य परस्पर विचार विनिमय करते हैं। तो ये है पाश्चात्य भाषाविदों के द्वारा दी गई परिभाषाएं, जिसके अंदर जर्मनी के विद्वान डॉक्टर मैक्स मूलर, इटली के प्रसिद्ध भाषाविद क्रोचे और ब्लॉक और ट्रेगर की परिभाषाएं मुख्य है जिसका हमने अध्ययन किया। अब हमारी जो अगली वीडियो होगी उसके अंदर हम भाषा के तत्वों
का अध्ययन करेंगे कि भाषा के तत्व कौन कौन से होते हैं। अब हमने ये सारी परिभाषाएं पढ़ी संस्कृत व्याकरणों द्वारा, हिंदी के व्याकरणों द्वारा, पाश्चात्य विद्वानों द्वारा। उनके आधार पर हम भाषा के लक्षण और स्वरूप के बारे में निम्नलिखित बातें कह सकते हैं, जैसे कि भाषा ध्वनि संकेतों की एक व्यवस्था है। ये ध्वनि संकेत किसी भी समुदाय विशेष की भाषा में रूढ़ और पारंपरिक होते हैं। ये ध्वनि संकेत मानव मुख द्वारा उच्चरित होते हैं और इन ध्वनि संकेतों को सुनकर उनमें छिपे अर्थों से एक प्रतीकात्मक अथवा चित्रात्मक संकल्पना उभरती है। ये ध्वनि संकेत मानव के भावों, विचारों आदि को अभिव्यक्त करते हैं और उनकी पुनरावृत्ति भी हो सकती है। प्रत्येक समाज व वर्ग की भाषा में भिन्न भिन्न ध्वनि संकेत होते हैं, क्योंकि ये ध्वनि संकेत किसी भी समाज या वर्ग विशेष द्वारा स्वनिर्मित होते हैं। भाषा एक सामाजिक वस्तु है। भाषा में विद्यमान ध्वनि संकेतों को वर्णों, शब्दों के रूप में व्यक्त करके वक्ता और श्रोता अपने विचारों का विनिमय करते हैं। जो परिभाषाएं थी उसके आधार पर भाषा के गुण, लक्षण, स्वरूप इत्यादि के बारे में ये सारी बातें निकल कर हमारे सामने आती है। अगली वीडियो के अंदर हम भाषा के मुख्य तत्व जो होते हैं, इन्हीं परिभाषाओं में जो हमने पढ़ा इसी के आधार पर भाषा के प्रमुख तत्व कौन से होते हैं, उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।